अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जान लेंगे व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक नया सा सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में मौजूद होता है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि ये हमारे इस जिस्म के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों जरूरी होता है। तो जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसमें सबसे पहली बात ये होती है, जितने भी हमारी सेल्स होती है बॉडी में, जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स मौजूद होती हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शी होती हैं, तो उन सेल्स को आपको क्या चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी, यानी आपको कुव्वत चाहिए, आपको ताकत चाहिए, ताकि जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होंगे, चाहे वो कैटाबॉलिक होंगे या एनाबॉलिक फंक्शंस होंगे या एक्टिविटीज होंगे, वो सारी चीजें करने के लिए क्या होनी चाहिए, हमें ताकत की जरूरत होती है। तो वो किनको ताकत की जरूरत होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जितने भी सेल्स मौजूद होती हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैंने पहले मेंशन किया है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड और नीडेड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी होती हैं एक सेल को या सेल्स ऑफ द बॉडी को, उनके लिए इनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए। ठीक है, तो इसके ये जो एनर्जी होती है ये हासिल कहां से होती है इन सेल्स को, हमको पता है कि आप सब लोग ये जानते हैं कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी वी गेट इट फ्रॉम द फूड। वो तो सही बात है, बट फूड को आपको ब्रेक डाउन करना होता है, फूड को आपको क्या करना होता है, उसको तोड़ना होता है या उसको कई तरह के रिएक्शंस में पहले तब्दील होना होता है, कई तरह की उसमें चेंजेस आती हैं, फिर जाके हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट जो जरूरी होती है इसके लिए केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में इसका अहम जुज क्या होना चाहिए, इसका अहम जुज होना चाहिए ऑक्सीजन। क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन इसका अहम जुज होना चाहिए। दैट मीन्स द एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन विच कैन ओनली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो कहां से हासिल होती है? ऑक्सीजन से वो हासिल होती है। अदरवाइज देयर इज नो चांस दैट द फूड कैन बी ब्रोकन डाउन एंड वी कैन गेट द एनर्जी। तो ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो ये केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में वो होती है ऑक्सीजन की वजह से, जो रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है, तो फिर तब जाके जो सेल्स होती है हमारी बॉडी में उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वो एक मॉलिक्यूल होता है बॉडी में जो हम इनहेल अंदर करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम इसको बाहर कर लेते हैं। दैट मीन्स द मेन वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ज्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द इनहेलिंग एजेंट और विच इज बेनिफिटेड फॉर अवर बॉडी इज व्हाट, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर करते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर ले आते हैं, इनहेल करते हैं। और इसके बाद मैंने लिखा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल और इट इज अ रूट। एक रूट होता है, ये एक रोड होता है बाय विच द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फेरिक एयर, वो कहां आ जाता है, वो हमारी बॉडी में आ जाता है, एंटर्स द बॉडी एंड इट प्रोड्यूसेस द रूट फॉर व्हाट, रूट ऑफ एक्सक्रीशन फॉर व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये रूट होता है, ये एक वो रूट होता है जो हमारी सप्लाई करवाता है किसकी, ऑक्सीजन की। एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, और जो क्या होता है, ये रूट होता है एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट, यानी बाहर कर लेता है, एक्सहेल करता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग व्हाई द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नीडेड फॉर द ह्यूमन बॉडी। इसके बाद मैंने लिखा है व्हाट इज रेस्पिरेशन। एक्चुअली द टर्म जो रेस्पिरेशन होती है, इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज व्हाट, इट इज बायोकेमिकल प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाय द सेल्स और ईच सेल बाय यूजिंग व्हाट, ईच सेल नीड्स व्हाट, इट नीड्स ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू प्रोड्यूस, इसको क्या चाहिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एंड
this energy is used by the organelles and used by organelles to carry out or to meet metabolic processes or metabolic functions. तो इसलिए ये क्या होती है, respiration process जो होती है ये इसीलिए हमारे लिए जरूरी होती है, और respiratory system भी हमारे लिए इसीलिए जरूरी होता है. रेस्पिरेशन, फिर से मैं बोल रहा हूं, ये वो वाली फंक्शन है. इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय सेल और ईच सेल्स बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी. एंड दिस एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एटीपी इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल्स फॉर व्हाट, टू कैरी द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दिस इज ऑल अबाउट the importance of respiratory system. Now the thing is, what is the difference between the breathing and respiration? Let us see what is